पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संभल लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मेजर जेपी सिंह ने डिंगे हकते हुए कैमरे के सामने कबूल कर लिया कि उन्होंने अयोध्या प्रकरण के दौरान उत्तर प्रदेश के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए एक षड्यंत्र रचकर अपनी गाड़ी के बोन्ट पर एक चकला बेलन बांधकर महीनों तक यह कहकर घुमाया था कि बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाते समय ये सीता माता की रसोई से मिला था और ये पूजनीय है, जिसको लेकर वो देश के अनेक हिस्सों में गए और सीता माता के चकला बेलन के नाम पर लाखों रुपए का चंदा उगाया, जिन पैसों से वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। अब ये ड्रामेबाज मेजर जेपी सिंह कांग्रेस के लिए संभल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। इस पूर्व विधायक को हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा कह रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए ही उसने बाजार से एक चकला बेलन खरीदा और उसे सीता माता का बताकर खूब चंदा बटोरा। एक नजर सेना की सेवा से अलग होने के बाद मेजर ने 1985 में पहला चुनाव कांग्रेस बैनर से लड़ा, हालांकि मुरादाबाद पश्चिम सीट से दो बार जीत का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। राम लहर 1991 में पश्चिम सीट से मेजर जेपी सिंह ने भाजपा के बैनर पर चुनाव लड़कर जीते। इसके बाद 1996 में भी इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे, पर इसके बाद उनका पहिया सियासत की पटरी से उतर रहा। मेजर कई जनता दल समेत अन्य दलों में रहे। पिछले काफी दिनों से वे भाजपा में सक्रिय रहे। जब मेजर ने सियासी सक्रियता दिखाते हुए कांग्रेस का दामन थामा है, अयोध्या प्रकरण में उन्होंने अपनी बड़ी सक्रियता दिखाई थी, जिसमें हिंदुत्ववादी छवि सामने आई थी। सीता की रसोई की चक्की लेकर पूरे मंडल में ये घूमे थे, लेकिन आज जो हम आपको सत्ता का खुमार का नशा और आस्था को दुखा इंसानियत के नाम पर सिर्फ फरेबी संसद यानी मेजर की दूसरा चेहरा हमारे चैनल पर देखिए, जिसने राम को सीता को और आस्था को कैसे तोड़ा, आज खुद किया कबूल हमारे सामने। गिर गई तो मैंने कभी दूर चुनाव आ रहा है, कुछ कभी ड्रामा करो। मैंने टीवी रखा ऊपर से और बीच में चक्का बेलन जो था ये बाजार से खरीद लिया और रख करके मैंने कहा चक्का बेलन रख करके गाड़ी में अपनी जीप में घूमा, सारे इलाके में घूमा। कोई उसे चला रहा 1,000, कोई 500, कोई 200, कोई 300 रुपये, मेरे को कम से कम 3 लाख रुपये उसने कमाए। और ये अभी तक पैसे मेरे पास चुनाव लड़ने के थे नहीं, उनने गाड़ियों का तेल डलवाया और तेल डलवा करके पूरे क्षेत्र में चकला बेलन मेरे घुमा दिया जा करके। तो साहब अखबारों में आया है, आप पढ़ लेना, जायज जो MLA था पाकड़े का, उसने कहा मेजर जेपी सिंह चकला बेलन घुमा रहा है, चकला बेलन चोरी करके लाया है, चकला बेलन चोरी करके जायज सब पूछ लेना, सारे अखबारों में निकाला। और वो चकला बेलन चुनाव जीत रहा है, मैं चकला बेलन से चुनाव जीत गया जा सकता हूँ। वो बताए जो भी कुछ किया उन्होंने, मगर मेरी एक आवाज़ थी कि धार्मिक बात भावना थी, तो मैंने वो जगाई के सीता जी के रसोई से चकला बेलन लाया हूँ। क्या मस्जिद में सीता जी की रसोई थी मुझे बताओ, वहाँ से नाम हो गया सीता जी रसोई। इशू बदलो, आप मानते हैं आपने उस वक्त जिस पार्टी में आप शामिल थे बीजेपी में, आपने पार्टी को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, जनता को घुमा दिया, चोरी करके लाए या क्या कह रहा सीता जी के रसोई का लाया हूँ मैं, वो बोला सीता जी की रसोई से लाया हूँ। नहीं तो सीता जी के रसोई में नहीं थे वो, तो बाजार से खरीदे आपने। हर काम करना पड़ता है, हर काम करना पड़ता है। सीता जी की रसोई क्या बाजार में थी? जनता को मैंने बोला कर सीता जी के रसोई और वहाँ जाकर के वहाँ सीता जी की रसोई तो मंदिर भी बहुत है, मंदिर भी बहुत चुनाव जीतने के लिए ऐसे गलत काम नहीं करूंगा। जो मैंने कहा सही कहा, सीता जी की रसोई आपने कहा भी रहने, आपने कहा आप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, आप MJP सिंह हैं, क्या सर आप हिंदू हैं? हिंदू हूँ बिल्कुल। सर जब आप हिंदू हैं तो जिस तरह से आपने खुद ये कबूल किया कि उस टाइम में अयोध्या नहीं गया, वहाँ से मैंने जो चक्की पाट लिया, तो इस तरह से क्या आपने राम को धोखा दिया नहीं दिया? राम को मैं तो धोखा देता, राम तो मेरे पूजित, मैं तो उनकी पूजा करता हूँ हमेशा, राम को क्यों धोखा दिया मैंने?
बीजेपी वाले धोखा। नहीं नहीं, बीजेपी के टाइम में जिस तरह से आपने चक्की का पार्ट, वो जो चक्की का पार्ट घुमाया और ये कहा मैं अयोध्या से लाया, चंदा किया आपने, खुद कबूला था आपने, इलेक्शन लड़ने के लिए ड्रामा किया, राजनीति ड्रामा किया। राजनीति ड्रामा नहीं था उस टाइम, चलिए मामला रहा था कि भाई बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद तोड़ के आए। मैंने तो कुछ नहीं किया, जब तोड़ा ही नहीं, गया ही नहीं बाबरी मस्जिद में, तो मैं क्यों ऐसा काम करता, मैं तो राम के साथ था, राम तो मेरे आराध्य हैं। नहीं नहीं सर वो थे, लेकिन आप खुद कबूल कि जिस तरह से आपने चक्की का पार्ट जो भी था पार्ट आपने लेके घूमे, चंदा किया आपने, 2-3 लाख रुपए इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन करते ही हरे को चंदा करते, हरे को वैसे लेता है चंदा पे, तो इस तरह आपने जनता को नहीं ठगा, इस तरह से आपने क्या चीज जनता को ठगा आपने नहीं यार, उनके जो मानसिक या धर्म के नाम पर आपने जो इस तरह, धर्म के नाम पर चंदा नहीं था, वो जन्म के नाम पर चंदा नहीं चला सवारा था, तो श्याम दाम दंड वेद हर चीज होती है, कोई ऊपर उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आजकल बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो सर आप कांग्रेस में क्या आप इस तरह से फिर कोई ऐसा करता जाकर के मुझे मौका ही नहीं, ऐसे कोई बजट 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 का सवाल ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो खत्म हो चुका है, जिन्होंने गए होगा तोड़ा होगा वो आप ऑलरेडी कोर्ट में फंसे हुए, कोर्ट का केस जा रहे हैं, हाजिर कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई कोर्ट का केस नहीं है।